जय हो गोरखनाथ जी महाराज की। दोस्तों आज मैं गोरखनाथ जी मंदिर का दर्शन करवाऊंगा, वो भी कतरियासर के अंदर। पिछले वीडियो मैंने आपको कतरियासर में जसनाथ जी मंदिर का दर्शन करवाया था, उसके पास में बगल में गोरखनाथ जी का मंदिर है। आपको पता ही है कि गोरखनाथ जी जसनाथ जी के गुरु थे। ये जो मंदिर है ये जसनाथ जी का मंदिर है और ठीक इसके पिछले साइड में गोरखनाथ जी का मंदिर है। तो ये जो हाथी के पास में जो मंदिर आप देख रहे हैं ये है गोरखनाथ जी और गंगा जमुना का मंदिर है। तो आपको गंगा जमुना का और गोरखनाथ जी की और जसनाथ जी के जो चेले हुए थे उनकी समाधि है उनके भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। तो जैसे गेट के अंदर प्रवेश होते ही ये जो राइट साइड में है ये तो गोरखनाथ जी का मंदिर है और लेफ्ट साइड वाला गंगा जमुना का मंदिर है। और जो बीच में ये देख रहे हैं इसी टाइप से यहाँ पे काफ़ी जो मंदिर बने हुए हैं वो मंदिर इनके चेलों की है और जसनाथ जी की गोरखनाथ जी के जो चेले हुए थे उनके है और वो समाधि ली हुई है। तो यहाँ समाधि पे मंदिर बने हुए हैं। आइए चलते हैं, ये जो मंदिर है मेरे पीछे देख रहे हैं आप ये गोरखनाथ जी का मंदिर है और दर्शन करते हैं। दोस्तों अब हम गोरखनाथ जी के मंदिर के परिसर में एंटर हो गए हैं और ये जो सामने जो देख रहे हैं मंदिर और मंदिर के पास में जो जाड़ नजर आ रही है आपको ये गोरखनाथ जी की ही जाड़ बताते हैं कि गोरखनाथ जी ने जाड़ लगाई थी। और ये जो जाड़ के नीचे जो आप कपड़ा नज़र आ रहा है आपको ये धजा है। लोग मन्नत के लिए ये धजा बांधते हैं यहाँ पे और मन्नत मांगते हैं और उनकी इच्छा पूरी होती है। दोस्तों देखने में पता लगता है कि जाड़ ये जो पेड़ है ये बहुत ही पुराना पेड़ है। इनके नीचे से तने से पता लग जाता है और ये नीचे फोटो वगैरह भी यहाँ पे रखी हुई है शिव जी और गोरखनाथ जी की है। बताया था सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं इस पिलर के नीचे से वो जसनाथ जी का मंदिर है, यहाँ से भी नजर आता है। तो दोस्तों आपने ये दिखा दिया है जाड़ वगैरह और सामने ये है ये गोरखनाथ जी का दोना है। इस मंदिर में पूजा करने के लिए जब आरती और जोत होती है उस समय ये काम में लेते हैं, पूजा के टाइम में काम में लेते हैं। अब आइए चलते हैं अंदर, गेट तो बंद है लेकिन मैं आपको अंदर का दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे जो शीशा लगा है इस शीशे के माध्यम से मैं आपको अंदर का दर्शन करवा दूंगा। अब दोस्तों आपने मंदिर देख लिया है, मंदिर के पीछे ये जो जाड़ है ये भी बहुत ही शानदार लगता है। मंदिर के साथ में पेड़ हो तो अच्छा ही लगता है। अब हम आगे दर्शन करवाते हैं, ये लक्ष्मीनाथ जी महाराज है, इनके शिष्य हुए थे, उनकी समाधि यहाँ पे है। आपको यहाँ पे दर्शन करवाते हैं और इसके बाद में हम आपको गंगा जमुना के दर्शन करवाएंगे। दोस्तों ये भी एक समाधि है और ये समाधि श्री चतुर्नाथ जी महाराज की समाधि है। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों मेरे पास में ये जो माता जी खड़े हैं इनके बेटे की ये समाधि है, जो पास में है ये समाधि इनके बेटे की समाधि है।
तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इनके भी मेरे को दर्शन करने में मिला है। और अब चलते हैं गंगा जमुना मंदिर। ये गंगा जमुना मंदिर है सामने, यहाँ पे ये सत्यवती और गंगा जमुना के ये मंदिर है जो सामने वाला मंदिर है। तो आइए अंदर का भी हम आपको दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? यदि इस टाइप के और भी वीडियो आप चाहते हो तो आप कमेंट करके हमें बताना, और आपके गांव में आसपास में कोई मंदिर है अच्छा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बोलना, हम आएंगे और वीडियो आप बनाएंगे और आपसे संपर्क ज़रूर करेंगे। ये जसुना जी का मंदिर है, जसुना जी का चेला था और जसुना जी उनका ये मंदिर है। ये जसपाल जी महाराज का मंदिर है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी टाइप के दूसरे वीडियो में।